गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर गर्ल फ्रॉम इंडिया। और मैं हूं दीपी। दोस्तों, मैं आज लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करूंगी। वैसे जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसे और प्रॉब्लम्स की जो ट्रीटमेंट है उसे बस आप लोगों के सामने ले आऊंगी। दोस्तों, हम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को स्पॉट्स के और ओपन पोर्स के प्रॉब्लम को बहुत भुगतना पड़ता है। उसका जो सोल्यूशन है मैं आज आप लोगों के साथ एकदम फटाक से शेयर कर दूंगी। मैंने पहले ही आप लोगों को, मेरे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बोला है कि मेरे पिंपल्स जो है वो चले गए हैं, लेकिन उनका जो स्पॉट्स है वो अभी भी मेरे स्किन में है। और दोस्तों, मैंने जो बोला था कि मुझे कॉर्न खाने के लिए थोड़ा एलर्जी हो गया था, आप लोग देख रहे थे मसूर दाल और हनी जो मैंने आप लोगों को साथ जो शेयर किया था, उसको इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम एकदम क्योर हो गया। तो दोस्तों, अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग देख सकते हैं ये है आइस क्यूब। दोस्तों, मैंने जो कोकोनट, मैंने पहले भी कोकोनट वाटर का जो टोनर है उसे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, आप लोग ज़रूर उसे एक बार इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन दोस्तों, मैंने जो किया है ये कोकोनट वाटर को, मैंने आइस क्यूब कोकोनट वाटर एंड जो रोज़ वाटर है उसे सेम क्वांटिटी में मिला के ये आइस क्यूब बनाया है। अभी मैं इसे एक मलमल के कॉटन के कपड़े में लेके आप लोगों के साथ सामने ही, आप लोग देख सकते हैं मेरे अभी कोई भी ओपन पोर्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी आप लोगों को इसका जो एप्लीकेशन है करके दिखाती हूँ। दोस्तों, मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए मैं बहुत, जब भी कुछ भी इस्तेमाल करती हूँ बहुत ही जेंटली इस्तेमाल करती हूँ ऐसे। एंड दोस्तों, आप लोग एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, मेरा स्किन का ग्लो एकदम चला गया था, अभी वो अभी वापस आ गया है। मैंने जो भी होममेड और DIY आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है वो आप लोग ज़रूर अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे दोस्तों, ऐसे इस्तेमाल करना है, आप लोग चाहे तो इसे जस्ट आइस क्यूब को ही अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आइस क्यूब को डायरेक्टली अपने स्किन में अप्लाई ना करके कोई मलमल के कपड़े में या कोई भी कॉटन के कपड़े में उसे लपेट के इस्तेमाल कीजिए। हमारा जो स्किन का जो मतलब स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको एकदम से झंझनाहट नहीं देके अच्छे से एकदम प्यार से करना ही अच्छा होगा। और आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको इस्तेमाल करके इसके जो बेनिफिट्स या रिजल्ट है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मैं एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए सपोर्ट करना एकदम ज़रूरी है। प्लीज़ बी लव मी यार, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के लिए।